तो मैं रोज की तरह अपना क्रिएटर स्टूडियो चेक कर रहा था और अचानक मैंने देखा कि मैं यूट्यूब पर 50 प्लस वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, पर फिर भी ऑडियंस मुझसे कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रही है। शायद इसलिए कि मेरी मोस्ट ऑफ द वीडियोस किसी न किसी टॉपिक से रिलेटेड होती हैं और आज तक मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है। तो चलो एक काम करते हैं, क्यों ना एक माई सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई जाए ताकि आप और मैं एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ पाए। सो लेट्स स्टार्ट। ओ, जैसे कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा कि मेरे को लगभग एक साल हो चुका है यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हुए, बट अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर एक भी वीडियो ऐसी नहीं जिसमें मैंने अपने बारे में बताया हो। तो आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं। आज मैं आपको कुछ अपना इंट्रोडक्शन दूंगा या कहें कि मैं प्राइवेसी को थोड़ा लीक करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताना चाहूंगा जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है फैमिली, एंड उसके बाद हम स्कूल और कॉलेज लाइफ के बारे में बात करेंगे, एंड इसके बाद आपका और मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक जो है एडिटिंग कैसे सीखी, और आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक कि मैंने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया और मेरी इंस्पिरेशन कौन था। आइए देखते जाएगा। तो अब बात करते हैं स्कूल एंड कॉलेज लाइफ के बारे में। तो बचपन से मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट व्यक्ति रहा हूँ, एंड इंट्रोवर्ट अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं। एंड बेसिकली होता क्या था, मैं सिर्फ हाँ भाई तू पहले बोल ले, ठीक है। तो होता ये था कि जैसे मैं स्कूल में जाता था और किसी भी लड़के से या फिर लड़की से तो बात ही नहीं करता था, किसी भी बंदे से बात नहीं करता था, और अपना भाई खा पी के स्कूल में पढ़ पढ़ा के सीधे घर पे आ गए पूरे दिन रहना। और होता ये था कि 9th क्लास से बच्चे थे वो कम होना स्टार्ट हो जाते थे, क्योंकि हमारे जो स्कूल में NCC नहीं थी। तो यह कारण था जब मैं 9th क्लास में आया तो मेरी कक्षा में सिर्फ 19 बच्चे बचे थे और मेरा रोल नंबर 15 था। तो फिर उस टाइम में टीचरों की नज़रों में आया, एंड उन्होंने मुझे थोड़ा पुश किया अपनी क्रिएटिविटी में एंड थोड़ा पढ़ाई में। तो उसके बाद मैं थोड़ा पढ़ाई में अच्छा हुआ, एंड में थोड़ा क्रिएटिव भी हुआ। क्रिएटिव तो मैं पहले से था, बट बच्चे ज़्यादा होने की वजह से टीचर का ध्यान मेरे पे नहीं जा पाया और मतलब नहीं हो पाया। तो उसके बाद हम बात करें कॉलेज लाइफ के बारे में। तो कॉलेज लाइफ तो भाई सीधे घर पे ही थी, सिर्फ एडमिशन करने गए थे एंड पेपर देने गए थे, उसके बाद कोई कॉलेज लाइफ का कुछ अता पता ही नहीं। और होता यही है क्योंकि हम गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज का आपको हाल पता ही है, सिर्फ बच्चे पेपर दे जाते हैं, बाकी पढ़ाई लिखाई से उन्हें कोई मतलब नहीं होता घंटा। और कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी कोचिंग में हम गए एंड काफ़ी ज़्यादा हमने फ्रेंड्स बनाए। उसके बाद फ्रेंड सर्कल हमारा बड़ा और काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त मिले, काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स मिले, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, और ऐसे ही हमारा कॉलेज हुआ समाप्त। एंड हाँ भाई, तो फैमिली के बारे में मैं आपको बताऊँ तो मेरी फैमिली में 4 ही लोग हैं, मेरे फादर, मेरी एक सिस्टर एंड मेरी एक मदर एंड मैं। एंड ये छोटी सी हमारी फैमिली है। फादर हैं वो प्राइवेट जॉब करते हैं एंड मैं जलवा है हमारा। तो गाइस सही छोटी सी फैमिली है, एंड आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड टॉपिक की ओर। तो हाँ जी, अब बात करते हैं अपनी एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशन मेरी कुछ इस प्रकार है कि जैसे कि आपको मैंने पहले बता ही दिया कि मैं हाई स्कूल इंटर पास हूँ, एंड हाई स्कूल मैंने CBSE बोर्ड से किया, एंड इंटर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से किया, एंड उसके बाद मैंने वाईली कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। साथ ही साथ मैंने एक कंप्यूटर कोर्स किया जो कि DC है। एंड बात करें अभी हम करंट सिचुएशन की, तो अभी मैं गाइस थोड़ा जगह को एक्सप्लोर कर रहा हूँ एंड थोड़ा ट्रैवलिंग कर रहा हूँ ताकि मैं ज़िंदगी को अच्छे से समझ सकूँ एंड कैसे हमें उस छोटी सी ज़िंदगी को फालतू के काम में लगाकर उसे इंजॉय करना चाहिए एंड अपना हर समय हैप्पी रहना। तो गाइस अब बात करते हैं कि क्योंकि मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया और इसकी मेन वजह क्या थी। तो सबसे पहले तो इसकी ये वजह थी कि मेरे एक फ्रेंड है जिसका नाम यश है, जिनको आप अक्सर वीडियो में देखते रहते हैं, उनका भी एक यूट्यूब चैनल था। तो भाई जब वो वीडियोस बनाते थे ना तो मेरे को भी लगता था कि यार ये बंदा कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए, और मतलब मेरे को भी कुछ करना चाहिए क्योंकि मैं एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा करता था। स्टार्टिंग मैंने जब वीडियोस बनाई थी तो स्टेटस एडिटिंग की थी तो लोग तारीफ़ करते थे कि भाई तुम बहुत अच्छी एडिटिंग करते हो। तो जैसे कि मैं यूट्यूब पर ब्लॉग्स देखता था या लोगों की वीडियोस देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई मैं इनसे अच्छा कर सकता हूँ या इनसे अच्छा आप लोगों को दिखा सकता हूँ।
तो यही एक कारण था कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। एंड बात करें इंस्पिरेशन की, तो मेरे इंस्पिरेशन कोई नहीं था भाई, आप ही लोग इंस्पिरेशन हो। जब तक आप हैं तब तक मैं हूँ। अगर आप मुझे देखना छोड़ देंगे तो भाई मेरा भी कोई मतलब महत्व नहीं है यूट्यूब पर। एंड अब बात करते हैं कि मैंने एडिटिंग कैसे सीखी और मैं किससे एडिटिंग करता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जब हाई स्कूल में था तो मेरे पास एक फ़ोन था जो कि मैक्रोमैक्स का था, एंड वो बेसिकली 2G फ़ोन था। तो उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ोटोज़ एडिट करता था। तो इस वजह से मेरे को लगभग 4 साल हो चुके हैं फ़ोन से एडिट करते करते, एंड मेरी एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, जैसे कि आप मेरे यूट्यूब वीडियोस में देखते रहते हैं। तो ऐसे कुछ ऐप है जिससे मैंने एडिटिंग सीखी है, जैसे कि लाइटरूम हो गया और पिक्सआर्ट हो गया, स्नैपशीट हो गया, एंड ऐसे और भी कई सारे ऐप हैं। तो अगर आप इनको रेगुलर चलाते हैं या फिर रेगुलर 1 से 2 घंटे इन पर प्रैक्टिस करते हैं तो आप मेरी तरह अच्छी से अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो यही रहता है बस। एंड अगर आप फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग इन सब में से आप अगर किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को चेकआउट करें। वहाँ पर आपको बहुत बहुत अच्छे ट्रैवलिंग ब्लॉग, फोटोग्राफी ब्लॉग देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा सून एंड जय भोले की।